विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तर्षि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में असाइनमेंट लिखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक रबर पेंसिल साथ में रखें और असाइनमेंट भी साथ में रखें। और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो आज हम हमारा जो गद्य 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उनका असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप उनका जो पहला प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखें, प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उनका उत्तर लिखिए। अब हमारा जो पहला विकल्प है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए, दोहरे पर जाते समय पिता पुत्र कहाँ रुके। आपके ऑप्शन है ए भोपाल स्टेशन पे, बी ग्वालियर स्टेशन पर, या सी बांकीपुर स्टेशन पर, या फिर डी आगरा स्टेशन पे। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वह आएगा सी बांकीपुर स्टेशन। अब हमारा जो दूसरा विकल्प है वह आप नोटबुक में लिखिए, शेखर के कल्पित भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन लिखिए ए गांधी, बी सुभाष, सी नेहरू, डी शेखर चंद्र आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। तो हमारा जो उत्तर है वह आएगा ए गांधी जी। अब हमारा जो तीसरा विकल्प है वह आप लिखिए, शेखर का पहला गुरु कौन था। ऑप्शन लिखिए एक ईसाई पादरी, बी एक अमेरिकन मिशनरी, सी एक ब्रिटिश प्रोफेसर, या डी एक रिटायर जर्मन। तो हमारा जो उत्तर है वह आएगा बी एक अमेरिकन मिशनरी। अब हमारा जो चौथा विकल्प है आप लिखिए, शेखर सहयोग असहयोग की लहर में बह नहीं पाया क्योंकि। ऑप्शन लिखिए ए उसे पढ़ाई भी करनी थी, बी वह लहर उसके पास तक नहीं आई थी, सी उसे घर से अनुमति नहीं थी, या डी उसकी पहुंच से बाहर था। तो हमारा जो उत्तर है वह आएगा सी उसे घर से अनुमति नहीं थी। पांचवा जो विकल्प है वह आप लिखिए, शेखर नहीं चाहता कि। ऑप्शन लिखिए ए एक विदेशी भाषा को स्वदेशी माने, बी ईसाई पादरी को गुरु माने, सी घर में भी विदेशी वस्त्र पहने, डी एक विदेशी भाषा को माँ कहे। तो हमारा उत्तर है वह आएगा डी एक विदेशी भाषा को माँ कहे। अब
हम जो प्रश्न एक है उनका जो ब विभाग है वह लिखेंगे। तो आप हेडिंग कीजिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखिए, अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? उनका उत्तर लिखिए, अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर उसने अपना नाम बताया और पूछा कि तुम स्कूल में पढ़ते हो। अब हमारा दूसरा जो प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, शेखर की कौन सी बात उसके पिता को बुरी लगी? तो उनका उत्तर लिखिए, शेखर की यह बात उनके पिता को बुरी लगी कि उन शेखर ने उस अंग्रेजी लड़के को जवाब नहीं दिया। तीसरा प्रश्न है वह लिखिए, पिता ने शेखर के कान क्यों पकड़े? उनका उत्तर लिखिए, पिता ने शेखर के कान पकड़े क्योंकि अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर न देकर शेखर चुपचाप खड़ा रहा, इसलिए पिता ने शेखर के कान पकड़े। चौथा जो प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, शेखर के नाटक में अंतिम दृश्य में क्या दिखाया गया था? उनका उत्तर लिखिए, शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में स्वाधीन और बाधाहीन भारत दिखाया गया था। हमारा पांचवा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया, क्यों जाना छोड़ दिया? तो उनका उत्तर लिखिए, उनके पास शेखर ने बाहर घूमने जाना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास पहनने के लिए देसी कपड़े नहीं थे। अब हमारा जो छठा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, शेखर ने आग में क्या जलाया था? उनका उत्तर लिखिए, शेखर ने आग में विदेशी कपड़े जलाए थे। सातवां प्रश्न, शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? उनका उत्तर लिखिए, शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक के लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। नौवां प्रश्न है वह लिखिए, आठवां प्रश्न, शेखर के बचपन में कौन सा नाटक देखा था? शेखर ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था? तो उनका उत्तर लिखिए, शेखर ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था। नौवां प्रश्न लिखिए, शेखर ने आग कैसे जलाई? तो उनका उत्तर लिखिए, शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लिया और फिर आग जलाई। दसवां प्रश्न है वह आप लिखिए, शेखर को किसे माँ कहना स्वीकार न था? तो उनका उत्तर लिखिए, शेखर को अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को माँ कहना स्वीकार्य न था। ग्यारहवां प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए, शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? उनका उत्तर लिखिए, शेखर गला खोलकर जोर जोर से गाने लगा कि गांधी का बोल बाला, दुश्मन का हो मुख काला, यह गाने लगा। तो आज जो मैंने प्रश्न आपको लिखाए हैं वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उनका अभ्यास घर पर अच्छी तरह से करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।